शाहीन 3 मिसाइल जो कि 2600 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से अगर प्रवास करें पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके से, ठीक 12 मिनट के बाद 2750 किलोमीटर फी घंटा जो कि उसकी असल रफ्तार से कम है शाहीन, और जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है, ये सीधा जाके तल अवीव पे जाएगा। लेकिन हकीकतन अगर इजराइल समझता है कि कोई मुल्क उसको सफा हस्ती से मिटा सकता है, और इजराइल के पास जो डिफेंस सिस्टम है मिसाइलों को रोकने का, वो छोटे मिसाइलों को रोकने का है जो कि हिजबुल्ला वाले सरहदों पे बैठ के उधर से लिबनान से फोड़ते रहे, उन्होंने मारा इधर, मारा तल अवीव पे गिर गया, इधर मारा उधर गिर गया, उनके लिए उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम बनाया है अभी तक उनका जो आयरन ड्रोम है। तो 12 मिनट में जो कैलकुलेशन है इसराइल में वो ये कि 12 मिनट में पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल तल अवीव के ऊपर गिरेगा।